and welcome to your favorite youtube channel performance i hope you all are doing great and in today's video we will be discussing the multiplication of binomial by binomial but before starting with this video i hope you have already seen my last two videos where i have discussed multiplication of monomial by monomial and in my second video i have discussed multiplication of monomial by binomial

c plus t so basically we have just you know put a hand over here so a can be multiplied by c plus t right and the other way next is the plus sign over here will come here and now we will be hiding our a and multiplying b by this complete c plus d like this b will be multiplied with c प्लस टी सो द फर्स्ट स्टेप इज हाइड एंड सी हाइड बी को करा ए को मल्टीप्लाई करा सी प्लस एंड बी मल्टीप्लाई हो गया हाइड एंड सी नेक्स्ट स्टेप इज डी वन डी टू डी वन डी टू मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितनी बार लग रही है टू टाइम्स डी वन यहां

बस यही चीज इस वाले वीडियो में समझ में बेसिकली आनी चाहिए कि ए बी सी डी अलग अलग टर्म्स होंगी किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है ना अगर ये चीज समझ में आ गई है ना तो आधा काम तो आपका यहीं पे हो गया सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेकिंग टू एग्जांपल वन ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन विच विल बी अ बिट इजी एंड सेकंड वन विल बी अ बिट ट्रिकी एज कंपेयर टू फर्स्ट एग्जाम्पल सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड so let's start with the first example here as you can see we have a binomial both the terms are different here also is a binomial इसका product निकालना है so step one हाइड एंड सीक method हम सबसे पहले किसको हाइड करेंगे आप इनमें से किसी को भी पहले हाइड कर सकते हो बट जस्ट बिकॉज सेकेंड लिखा है ना तो हम पहले इसको हाइड कर लेते हैं सो वी विल मल्टीप्लाइंग फोर एक्स स्क्वेर विद द कंप्लीट binomial विच इज इन ब्लू कलर फोर एक्स स्क्वेर मल्टीप्लाई बाय द्री एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्स इज डन नेक्स्ट ये जो प्लस साइन है जो फोर एक्स स्क् वो यहां पर आता है वट एवर साइन इजर प्लस और माइनस इट विल कम एक्जैक्टली है ठीक है नेक्स्ट अब हम इसको हाइट करा इसको सॉल्व कर लिया अब हम इस फर्स्ट टर्म को हाइड करेंगे एंड सेकेंड विल बी मल्टीप्लाईड द Hide and seek method will be used here as well. So we have 7y cube and next we have again 3xy minus 2y square. So hide and seek method is clear. Next step is d1 d2. We will be applying distributive property twice. So let's start with the distributive property. Here we have 4x square multiplied by 3xy. So just multiply 4 and 3, which is टूब वाई X X X अगर आप ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाए नथिंग लाइक दैट बट अगर आपको अभी आप भी यू आर नॉट कंफर्टेबल सो यू जस्ट राइट डाउन द कम्प्लीट स्टेप और आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट दो स्टूडेंट हुआ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट यू नो इट वन गो देड वन मोर स्टेप है विच आई एम डूइंग राइट नाउ फोर एक्स स्क्र इन टू थ्री एक्स वाई Minus this sign will come here 4x square into 2y square. Done with this step. Now the plus sign will come here. 7y cube multiply by 3xy. Bracket. Yes, the bracket is very, very important. Bracket will ind indicate that you are multiplying these two terms together first. Okay. Now this minus sign will come here. This is multiplied by this.

ट्वेल्व नो एक्स स्क्र और यहां x की पावर वन तो x की पावर थ्री एंड y कंप्लीट अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था अगर आप डायरेक्टली ये आंसर ला पाते हैं वेरी गुड ये स्टेप नो बड़ी एक्सपेक्टिंग करके दिखाओ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो माइनस फोर टू झा एट एक्स स्क् वाई स्क्वेयर ठीक है प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन वाई क्यूब और वाई सॉल्व होगा एक्सपोनेंशियल लॉ एक्स की पावर एम इन टू एक्स की पावर एन इज एक्स की पावर एम प्लस एन दैट लॉ वी आर यूजिंग हियर वाई की पावर फोर एंड एक्स के साथ तो कुछ और है ही नहीं सो एक्स विल कम एज इट इज नेक्स्ट माइनस ये माइनस एन यहां आ गया सेवन टू जोटीन एंड वाई की पावर पावर थ्री और टू को क्या करेंगे Plus करेंगे तो यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो वो पावर सो थ्री प्लस टू इज फाइव आई होप दिस स्टेप इज क्लियर नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एडिंग और सॉल्विंग द लाइक टर्म्स बट उसे करने से पहले वी like है कहां पे कैसे सर्च करेंगे वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए फॉर द लाइक टर्म एक्स क्यूब वाई कहीं पर भी एक्स क्यूब वाई नहीं है एक्सक्र वाई भी नहीं है एक्स वाई की पावर फोर एक्स वो भी नहीं है सो ऑल दीज आर अनलाइक टर्म्स ये सॉल्व हो ही नहीं सकता इसको आगे आप नहीं सॉल्व करोगे द आंसर कंटेन फोर डिफरेंट टर्म्स राइट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर